प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जियोर्जिया मेलोनी इस साल हो रहे 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अंतोनियो तयानी और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है। पीएम से मुलाकात के दौरान मेलोनी ने पीएम की जमकर तारीफ भी की। इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। पीएम मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं के सबसे प्रिय हैं। ये वास्तव में साबित हो गया है कि वो एक प्रमुख नेता रही हैं और इसके लिए उन्हें बधाई। इटली की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई जियोर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर भारत इटली साझेदारी को सामरिक भागीदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की आज घोषणा हो रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष भी रखा और कहा, यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने स्पष्ट किया कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। बता दें कि 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन इस साल 2 से 4 मार्च तक देश की राजधानी दिल्ली में होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मेलोनी की यात्रा से भारत और इटली के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे संबंधों के अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष नवंबर 2020 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की प्रगति का भी जायजा लेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।